Hello guys, welcome back to the second vlog of the Shankpal track। तो जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये 400 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का पूरा नाम बाबा नाग शंखपाल देवता मंदिर है। जम्मू मूर्ति देख रहे हो, ये उनकी बहन की है। और बिल्कुल इसके पीछे सीध में आप देखोगे तो बाबा शंखपाल का मंदिर नजर आएगा। तो अभी मैं जनाब से बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई कि ये दो भाई थे और इनकी कुछ बहनें थी। तो दोनों भाई निकले जम्मू से अपने घोड़े पे शंखपाल आने के लिए, और इन दोनों में शर्त लगी कि जो पहले शंखपाल पहुंच जाएगा वो वहीं बसेगा, और जो पीछे रह जाएगा, जो जहां पहुंचा होगा पीछे वाला, वो वहीं रह जाएगा। तो दोनों घोड़े पे चले, तो रास्ते में क्या हुआ, लांदर के पास जो बड़े ब्रदर थे उनका घोड़ा खेतों में से निकल रहा था। तो अगर डोगरी में सुनोगा कोतरे लगाए हुए थे, तो जो कोतरे लगाए हुए थे उनका घोड़ा कोतरों के खेत में से निकल रहा था, तो उसकी टांग टूट गई। तो इस कारणवश भी यहाँ पे कोतरा मनाई है, कोई यहाँ पे कोतरे की खेती नहीं करता। तो हुआ क्या, छोटा भाई आगे निकल आया और पहुंच गया बाबा शंखपाल, और पहुंच गया शंखपाल। तो जैसे ही वो वहाँ यहाँ पहुंचा, उन्होंने अपने बड़े भाई को इशारा किया कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, आप जहाँ पे हो तो आप वहीं पे रुक जाओ। और जो उनके बड़े ब्रदर थे वो लड्डाधार में सप्रोला करके जगह वो वहाँ पे बस गए। तो जो मैंने आपको अभी पहली मूर्ति दिखाई वो उनकी बहनें भी थी साथ में, उनकी बहन यहाँ तक पहुँची थी, एक बहन यहाँ पहुँची थी, दूसरी बहन का भी दिखाऊंगा मैं आपको भी। वो पहले सिस्टर थे, ये दूसरे हैं। तो यहाँ पे लेकिन कोई मूर्ति नहीं बनी हुई, कहते हैं कि इनका प्यार ज़्यादा था, बिल्कुल भगवान के पास ही हैं, अपने भाई के पास हैं। और जो तीसरे सिस्टर हैं वो मंदिर क्रॉस करके दूसरी तरफ हैं, और सभी ये तीनों एक लाइन में, तीनों बहनें एक लाइन में। एक और उनकी बहन, चौंकाने वाली बात यही है कि ये सभी एक सीट में है, मंदिर और बाकी।
अभी बस ये थोड़ी सी स्नो रह गई है यहाँ पे। मौसम एकदम से चेंज हो गया है, पहाड़ों के मौसम कुछ पता नहीं था, अभी इतनी तेज धूप थी तो एकदम बारिश वाला मौसम बन गया। हमने ऊपर यार बैठ के निकाली हैं, तो लगता है गिल्टियां बन गई हैं, मुक गई हैं। पर तो अभी हम पानी टूटा, गिल्टियां तोड़ देंगे के नहीं। तो अभी हम निकल पड़े हैं वापस, मौसम के हालात देख के ऊपर गए, हमने बाबा जी के दर्शन किए, एकदम से बादल ऐसा लग रहा है बारिश हो ही जाएगी, मुश्किल है। वैसे हम निकल जाएंगे, वैसे धूप आएगी तो वहीं जाके कुछ खाएंगे ना। चेक करो, हम चले पड़े हैं वापस। हमने कितने चले थे, 12:40 में चले थे, 20 मिनट में हमने 30% रास्ता कवर कर लिया। हाँ नहीं, ये ब्यूटीफुल रास्ता देखो, जाते हो हम किसी और रास्ते से गए थे, अभी हम किसी और रास्ते से आ रहे हैं। डबल डबल वीडियो बन रहे हैं हमारे, अभी जगह इतनी सुंदर आ गई, तेरा मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया यार। तो अब हमने अपनी बाइक्स ले ली हैं और जा रहे हैं सनासर, जो यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर ही दूर है। तो अभी हम आ गए हैं सनासर, आप मेरे राइट साइड पे देख ही सकते हैं कितना बड़ा मीडो है, और आज संडे है तो काफी रश भी होगा यहाँ पे। अगर सनासर का कंपैरिजन करना हो किसी हिल स्टेशन से तो वो होगा खजियार, जो हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल सेम मीडो है दोनों जगह, दोनों जगह लेक्स भी हैं, बट सनासर की लेक में आप बोटिंग कर सकते हो। इवन सनासर में काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप कर सकते हो, जैसे जिप लाइनिंग। यहाँ लेक के किनारे पूरा ट्रैक बना हुआ है, खाने के लिए काफ़ी स्टॉल्स हैं, आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ आके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो जी अब हम एंटर करेंगे ट्यूलिप गार्डन। वैसे तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, पर इस बार सनासर में 2.75 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं। तो 40 कैनाल में लगे हैं ये सारे ट्यूलिप, और ट्यूलिप फ्लावर्स की 25 वैरायटीज लगाई गई हैं इस गार्डन में।
तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, हमने यहाँ बोटिंग भी की। कंपैरेटिवली यहाँ पे बोटिंग उतनी कॉस्टली नहीं है, आप 500 रुपीज़ में पूरी बोट बुक कर सकते हैं और आराम से 6-7 लोग बोट राइड एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस इस व्लॉग में इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, straight to the face and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know.